और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1875 में आज ही के दिन मशहूर पर्यावरणविद और लेखक जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में हुआ था। जिम कॉर्बेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल थे और 1907 से 1938 के बीच गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों में नरभक्षी बाघ और तेंदुओं का आतंक था, जिनके शिकार की जिम्मेदारी जिम कॉर्बेट को दी गई थी। जिम कॉर्बेट ने एक ऐसे नरभक्षी बाघ का भी शिकार किया था जो 400 से ज्यादा लोगों को मार चुका था। इसके बाद बाघों के संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट ने एक नेशनल रिजर्व बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। 1957 में इस नेशनल पार्क को उन्हीं के सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जिम कॉर्बेट की मशहूर किताब है। वर्ष 1984 में आज ही के दिन सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सोवित्स्काया अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बनी। अंतरिक्ष में किसी भी एस्ट्रोनॉट द्वारा अंतरिक्ष यान के बाहर की गई एक्टिविटी को एक्स्ट्रा वेकुलर एक्टिविटी या स्पेस वॉक कहा जाता है। और 3 घंटे और 35 मिनट तक अपने स्पेस स्टेशन के बाहर स्वेतलाना ने वेल्डिंग का काम किया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में आज ही के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम में अपने अहम योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खासतौर पर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। और वर्ष 1978 में आज ही के दिन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन का जन्म हुआ था। ये जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक से की मदद से इंग्लैंड में हुआ था। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। जीनी।